संगोष्ठी का आयोजन स्थानीय कस्तूरबा कन्या महाविद्यालय में किया गया। इस आयोजन गुना जिला नहीं अपितु आसपास के भी कई जिलों से विद्वान एवं साहित्यकारों ने हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में तीनों सत्रों से अलग अलग क्षेत्र से आए विद्वान अपने द्वारा किए गए शोध के बारे में बताएंगे। कोशिश की जाएगी कि पर्यावरण को किस तरह से जिला कलेक्टर भास्कर लक्ष्यकार मौजूद रहे। आवाज हम सुन लें, इस पर हम रिएक्ट कर दें, रिस्पॉन्ड कर दें, वो बहुत जरूरी है। दो बातें मैं कहना चाहूंगा, पर्यावरण चेतना के विषय में हमने बात करी और पर्यावरण चेतना के बाद में साहित्य पर दो मिनट बात और करता हूँ। देखिए, अच्छा वक्ता वो होता है जो श्रोताओं को बांधे और होशियार वक्ता वो होता है जो दो मिनट कह करके 10 मिनट तक चला दे। तो मैं होशियार वक्ता बन रहा। प्रकृति के बाद में जो साहित्य की जो बात है, किसी भी भाषा का साहित्य हो, चाहे वो भारतीय भाषाओं का साहित्य हो अथवा पाश्चात्य भाषाओं का, पौर्वात्य भाषाओं का, किन्हीं भी प्रकार का साहित्य हो, उस साहित्य में प्रकृति चेतना हमेशा से रही है। ऐतिहासिक चर्चाएं करूंगा क्योंकि पर्यावरण कहीं सीमित नहीं है, पर्यावरण की व्याख्या असीमित है और इतिहास भी असीमित है। लेकिन नैतिकता से जोड़कर देखें तो अशोक ने उस धर्म अभिलेख में अपने में ये दिखाया था कि हमें तालाब खुदवाने चाहिए, कुएं खुदवाने चाहिए। हम सभी जानते हैं विभिन्न देवी देवता हैं, तमाम प्रकार के 33 करोड़ भी कहते हैं लोग, और प्रत्येक देवी देवता को आप देखें हरेक के साथ एक ना एक पशु जोड़ दिया। आज हमारे महाविद्यालय में पर्यावरण चेतना और साहित्य पर राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है और अनेक प्रांतों से हमारे यहाँ विषय विशेषज्ञ आए हुए हैं, विद्वान आए हैं, साहित्यकर्मी भी आए हुए हैं और जिले के विभिन्न महाविद्यालयों से, अशोकनगर अग्रणी महाविद्यालय से भी, मुंगावली से हमारे महाविद्यालय में भी प्राध्यापक और प्राचार्य महोदय पधारे हुए हैं। 3 सत्रों में हमारे यहाँ पर शोध का वाचन किया जाएगा, विभिन्न विशेषज्ञ हैं वो अपने विचार प्रस्तुत करेंगे और मंथन किया जाएगा कि जो पर्यावरण का स्वरूप बिगड़ता चला जा रहा है उसे हम सब मिलकर के किस तरह से सुधार सकते हैं, क्या किया जा सकता है। छात्राएं भी इसमें सम्मिलित हुई हैं तो हमारी ये शोध संगोष्ठी जो है आज संपन्न होने जा रही है और सबका सहयोग हमको मिल रहा है। इसके मुख्य अतिथि आज कौन से? मुख्य अतिथि महोदय हमारे जिले के जिलाधीश महोदय श्री भास्कर लाक्षकार जी को उन्होंने आमंत्रित किया था और अध्यक्षता पीजी महाविद्यालय से डॉक्टर बीके तिवारी सर जो प्राचार्य हैं उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपन्न किया।